और ये देखो मेरा मछली। 3 साल में मैंने कम से कम 4 बार गाली लड़ाई, 10 बार मुखालफा आया मेरा और 10 बार का तुम। ये सामान है, ये कंपनी का नहीं, दूसरी कंपनी का है। हरा मिर्चा, टमाटर है, कितना हुआ मेरा? सो हे गाइस, वेलकम टू एनी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और अभी आ गया हूँ मैं रूम पे, आप लोग को मालूम ही है। और अभी सो के उठा हूँ और टाइम देखो कितना बज गया, 1:30 बज रहा है। और मैडम ने दिया है मुझे कुछ सामान लाने के लिए, तो चलते हैं लेके आते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहो और देखो क्या लेके आना है। ये रेडीमेड सब्जी है और ये पता नहीं क्या है, अरबी में लिखा है, अरबी मुझे आता नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने रहो। और इस वीडियो में आप लोग बताने वाला भी हूँ कि मेरा सबसे सऊदी में फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरा कितने का मुखालफा आ गया था भाई, और कितनी बार चलान उलान आया है मेरा। ठीक है, मुखालफा मतलब चलान होता है जैसे कि स्पीड का, कैमरे का। तो आप लोग बने रहो वीडियो में, चलते हैं लेके आते हैं। चलेंगे या तो उथियम मॉल में या तो क्या बोलते हैं उसमें बकाले पे चलेंगे, बकाले पे शायद मिलेगा, तो चलेंगे हम लोग उथियम में। थोड़ा पानी डाल दें यार इसमें, ये देखो इतना फूल ये झल रहा है यार, पूरा मेरा भर जा रहा है कि पानी तो पहले ही से ऑलरेडी है। और गाड़ी तो ऐसे गर्म हुई है जैसी मेरे हीटरों का गाड़ है। और अपने लिए भी कुछ सामान लेंगे यार, खाना नहीं बनाया अभी हम भी। तो भाई जब से मैं सऊदी अरब में आया हूँ, 3 साल का दिन हो गया मेरा, लगभग 3 साल हो गया। और 3 साल में मैंने कम से कम 4 बार गाली लड़ाई है और कम से कम मुखालफा पूछो मत, 10 बार मुखालफा आया मेरा। और 10 बार का तुम आप लोग जोड़ लो, एक बार मैंने इशारा तोड़ा था 3000 वाला, और 2 ठो मैंने क्या बोलते हैं विकलांग वाला जो पार्किंग होता है विकलांग वाले में खड़ा किया था। और स्पीड तो मैंने पूछो मत भाई, स्पीड मतलब बहुत तोड़ा हूँ मैं, बाकी जितना भी मुखालफा स्पीड का है पार्किंग का। मतलब फर्स्ट टाइम मैं जब नया आया था तो भाई ऐसा कोई मतलब वो इशारा और कैमरा नहीं जो मैं नहीं तोड़ा हूँ भाई। फर्स्ट टाइम जब आओगे नया, आप जब आओगे ना तो आपसे भाई एक बार गलती हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना भाई मेरा 10 मुखालफा आया था, कम से कम 10,000। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा कपिल जो है वो पैसा काटा नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ और बहुत इसका बात कोई बात में काटता उड़ता नहीं हूँ मैं अपने कपिल का, तो मेरा एक भी रुपया नहीं काटा है भाई, समझ लो। तो यहाँ आओगे आप लोग जो ना फर्स्ट टाइम, जब आप लोग का मुखालफा उखालफा आएगा तो आपका कपिल माफ़ करेगा भाई। कोई कुछ भी बोलता है ना, मुखालफा आता है कुछ भी, तो वो ना समझो आप लोग। फर्स्ट टाइम जब आओगे ना तो उसको भी मालूम है कि आप लोगों को मालूम नहीं है, इंडिया में अलग गाड़ी चलता है, यहाँ पर अलग गाड़ी चलता है। तो फर्स्ट टाइम आपका मुखालफा माफ़ करेंगे सब, कितना भी बुरा कपिल रहेगा ना माफ करते हैं सब। दिल होता है यार इन सबके भी पास, ये भी जा रहे 1500-1600 कमा रहे, उसी में 1-2 हज़ार का मुखालफा ही हम काट लेंगे तो किसके पास क्या बचेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, समझे? तो नहीं काटते हैं सब भाई। तो अभी देखो मैं 12 बजे आज नादिर के रूम से तो 2 दिन हो गया मुझे आए हुए यार, बहुत परेशान था मैं वहाँ पे खाने पीने का। हर जब मछली ले आकर रखे हैं 2 दिन से आप लोगों, पिछली वीडियो में देखो जब मैं नादिर के पास था तो सुवैदी गया था, सुवैदी से मछली लेकर आया था। तो उसके लिए अभी भी मसाला वसाला भी लेंगे और मर्चा वर्चा टमाटर वमाटर लेंगे और चलेंगे अब रूम पे बनाएंगे। अब उठ गए हैं तो अपना खाना वाना भी बना लेंगे। अभी मैं उथियम में नहीं गया हूँ, देखते हैं यहीं बकाला भी मिल जाएगा तो ठीक रहेगा यार। और ऑफिस का छुट्टी हुआ है, देखो गाड़ी कोई भैया मैसेज कर रहे हैं वीजा का, वीजा मिलेगा तो मैं बताऊँगा यार आप लोगों को, वीजा अच्छा मिलेगा तो बताऊँगा मैं। वीजा ऐसे तो बहुत है लेकिन अच्छा नहीं है भाई, आगे परेशान हो गए आप लोग, गाली दोगे मुझे ही कहोगे बस बोलते तो। लेकिन वीजा मिलेगा, जब आपको अच्छा वीजा मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो ठीक है।
माइंड फ्री रहो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और देखो अभी यहीं बकाले पा गया हूँ मैं, जहाँ हमेशा आता हूँ। तो चलो ले लेते हैं सामान। मैडम अभी बोलेगी कि कहाँ रहे। ये है दुकान भाई, देखो ये सामान है। ये कंपनी का नहीं, दूसरी कंपनी का है माल। तो ये मैं फोटो भेज देता हूँ, मैं देखता हूँ। ये देखो इधर पड़ा रहता है, ये सब मटर वटर। बाकी देखो भाई ये भी मिल गया अपना, एक 7 रियाल का ये है और 10 रियाल तक का वो भी होगा। अपने पैसे से ले जा रहा हूँ। कितना हुआ मेरा? उम्र हद लाज में जरूर है। कितना हुआ मेरा? कितना अरे मिर्चा, वही मिर्चा। टमाटर है भी है। तो भाई अभी ले लिया मैं अपना सामान जो लेना था। और ये भाई साहब को देखो पीछे ला के खड़ा कर दिए हैं, और इधर देखो एक भाई ला के खड़ा कर दिए हैं। अब मैं कैसे जाऊं? मैडम का सामान ले लिया, वो बोलेगी कहाँ रह गया भाई। हट बे, हट बे, जल्दी हटो वहां से, जल्दी हटो, मुखालफा मार देंगे भाई, कैमरा खींच के भेज देंगे सुरता को निजाम पे। हटाओ जल्दी, देखो भाई हटा लिया। चलो देखो ये मिर्चा ले आऊँ मैं, 1 रियाल का, 20 रुपए का। मैडम आइए, मैडम लेके गई है। और ये एक रोटी ले आऊँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना। और अभी मगरिब के बाद ही ड्यूटी लगेगा भाई, क्योंकि आज कल जुमा है। इतना जल्दी जल्दी जुमा आ रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं ये देखो मछली लेकर आया था उस दिन से, ऐसे फ्रिज में पड़ा 1 किलो मछली था ये। ये देखो मिर्चा लेकर आया हूँ, हरा मिर्चा। ये सऊदी का मिर्चा देखो, यहाँ का मिर्चा। और ये एक रोटी, रोटी तो इधर रेडीमेड मिलता है, और रोटी को इधर बोलते हैं खुबूस। क्या बोलते हैं? खुबूस। और इसको एक और नाम बोलते हैं बुर। इसको दो चीज़ बोला जाता है सऊदी में, आटे वाली बुर बोला जाता है और इसको खबूस बोला जाता है। ठीक है तो चलते हैं, मछली उछली धुलते हैं भाई, मछली बनाते हैं। रोटी लेकर आ गए हैं, रोटी मछली खा लिया जाएगा इस टाइम। भूख लगा है मुझे भी बहुत जोरों से। जाने बाहर आया, अभी 2-3 टाइम में बनाता हूँ भाई यार मैं। ठीक है ये देखो एकदम ताज़ा पड़ा है भाई, एकदम मछली है। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 2-4 बना लेते हैं खाने भर का, रख देंगे बना के। और पता चले कि ड्यूटी वूटी लग जाए, मैडम चली जाए उधर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इधर मछली आती है बांग्लादेश से, इंडिया से भी, हर जगह, पाकिस्तान से भी। थोड़ा थोड़ा सा इसको बर्फ जमा है तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो भाई हो गया अपना मछली एकदम क्लीन। ठीक है, और इसमें अभी हम लोग थोड़ा सा और डाल देते हैं लाल मिर्च और हल्दी। किधर है हल्दी? ये मछली मसाला लेकर आया हूँ मैं, देखो ये मछली मसाला से बनाता हूँ मैं, टेस्ट होता है, मज़ा आ जाता है। तो इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा हल्दी, इसको तेल में पकड़े ना। रेसिपी लिख लो आप लोग भाई, जो भी सऊदी में रहते हो, सबको बनाना नहीं आता है। और अभी हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें बेसन,
थोड़ा सा बेसन है मेरे पास। देखो फटाफट से मछली बनाने में, यार मछली बनाना बहुत ईजी है। मछली बनाना तो मसाला बस, वो मछली डाल दो, मसाला रेडी है। देखो थोड़ा सा मैंने डाल लिया इसमें बेसन कि मछली पकड़े ना तेल में, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बस डालो, ज़्यादा भी डालने तो मछली हल्का सा ही मसाले में डालोगे ना तभी अच्छा होता है। और ये हमारा हो गया रेडी, और इसमें डाल देंगे हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हो गया, हल्का सा डाल देंगे इसमें हम लोग नमक। देखो ये हमारा हो गया रेडी, इसको थोड़ा सा ऐसे बस लपेट, थोड़ा सा हाथों से ऐसे ऐसे करके। और ये मिला था मुझे 16 रुपये किलो, 16 रियाल। ये है वाइट वाली मछली, पता नहीं, देखो ये नाम नहीं मुझे याद है भाई, पता नहीं रोहू है क्या नाम बोलते हैं इसको, नाम नहीं याद है मुझे। तो हमारा हो गया रेडी मछली एकदम सटाक। अब आप लोग चढ़ाते हैं फ्राई पैन, फ्राई पैन किधर है, हाथ धुल लेते हैं पहले। अभी हम लोग रखेंगे फ्राई पैन, अपना फ्राई पैन मसाला का काम हो गया खत्म। तुम इधर आ जाओ, गैस धराते हैं। पूरा डकुरेस बलम, भाई गैस नहीं कर रहे। गैस चालू कर दिए, तेल देखो यहाँ का ये है रिफाइन। खाना वाना सब हम लोग इसी से बनाते हैं, फ्राई व्राई भी इसी से करते हैं। और ये मिलता है 12 रियाल 13 रियाल में। तो फ्राई के लिए हम लोग मछली के लिए हल्का आंच कर लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा तेज नहीं। और इसमें डाल देंगे अपना फ्राई के लिए वाइल, इसी में आप लोग मछली भी बना लेंगे चाहे तो, लेकिन इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे फ्रिज में रखना होता है ना बना के, तो मैं बर्तन में बनाता हूँ तो उसमें फ्रिज में आ जाता है आराम से। और वैसे भी देखो मेरे फ्रिज में कितना फूल है पूरा जगह। ये मैंने खजूर वजूर भी रखा है नीचे, देखो उसमें टमाटर देखो ख़राब हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा टमाटर ले कर आ गया था मैं। तो देखो आँच गर्म हो रहा है, अब कुछ टाइम हो जाएगा तो फिर मछली डालेंगे। और गर्म हो गया भाई, ऐसा लग रहा है गर्म हो गया है, तो अपना मछली डालते हैं। बिस्मिल्लाह, और मछली बहुत अच्छा था भाई, एकदम ताज़ा मछली था। और हमको लग रहा है दो दो आएगा इसमें, एक और डाल दें इसमें इधर कि नहीं, डाल देता हूँ इधर आ जाएगा। गलत कर दिया, इसको नहीं डालना चाहिए था ना मुझे, ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी मसाला के लिए हमको जाना है, मेरे पास मिक्सर नहीं है, कई दिन से मैं सोच रहा हूँ मिक्सर लूँ। अभी दोस्त के पास जाएंगे तो मसाला वसाला पीस के लेकर आएंगे इसका। गाइस हमारा मछली हो गया, देखो अच्छा सा फ्राई। ये प्लेट है हमारा, निकाल लेते हैं इसको।
ये बर्फ में रखा था ना, देखो टूट रहा है। बर्फ वाली मछली अंदर से पानी छोड़ता है तो ये तेल में आवाज़ करता है। चलो ऐसे कर करके हमारा मछली हो गया फ्राई, देखो इतना अच्छा सा। मिक्सर, बिना मिक्सर का मछली बनाना मज़ा नहीं आता, थोड़ा ग्रेवी अच्छा नहीं होता है। तो उधर चेस भी चालू हो गई। ये देखो मछली हमारा हुआ एकदम क्रिस्पी फ्राई। कौन सा मछली है, समतुलिया वाला? फ्राई होने के बाद कैसे पता चलेगा लौड़े की कौन सा मछली है? अबे व्हाइट वाला जिसमें छिलका नहीं होता है। हाँ, बाइकी बकरी बाइकी बकरी बकरी बाइकी का प्याज ज्यादा हो गया? नहीं, पीस देगा कुछ नहीं ज्यादा। मुझे लगा आज बीएफए यार, आज बीएफए नहीं है, फूट है, कल बीएफए थोड़ा आर्मी। तब तो भी गधा जोड़ जब जब मसाला जैसे गाइस हमारा हो गया ये रेडी, और अभी इसको लेके चलेंगे दोस्त के रूम पे। इसको मोटा मोटा काटा हुआ है, मिक्सर में पीसना है, तो इसको लेके चलेंगे अभी दोस्त के रूम पे, उसको पीस के लेके आएंगे मिक्सर में। ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, उतना ही मछली में ज़्यादा। कहाँ हो, कहाँ है गाड़ी? ठीक है ठीक है, जो गाड़ी चला रहा है। किसके पास होगा यार मिक्सर? देखो भाई मिक्सर के वजह से कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ रहा है, यहाँ पर आए इसने के लिए। कौन सा रूम है ये? बड़े भाई, बड़े भाई एक मिनट सुन लो। ये देखो भाई, ये मिक्सर माँ के लेके आए हैं केरला वाले से। पानी डाल दूं? वाह, इसी में क्या वो ले लिया सर? नहीं, कितना वाला होगा ये? ये आपके पकास ऊपर होगा। इसका बैठा किधर है यार? देखो भाई हो गया, इतने के लिए हम लोग परेशान थे। जहाँ सारे अभी हम लोग डालेंगे बर्तन अपना, ये वाला चालू बना लो क्या फ्रिज में रखा है। इसमें बनाएंगे, इसमें बना के हम फ्रिज में डाल देते हैं, और नहीं तो फ्राई पैन में बना लो। हम भी अपने बीबी को बुलाएंगे भाई अगले महीने में। आराम कहूँ आंगन सऊदी देखेगा, पेल देगा सऊदी। हाँ, बहुत केक पेलते हैं पकड़ा के बीबी लोग को ये। इसमें जो फ्राई किया तो डाल दें? अभी नहीं, कुछ नहीं। आराम से कब बुलाना, कम सऊदी घर में रखोगे पेल देगा। हाँ कहो क्या? ये देखो ये फ्राई वाला तेल है, इसको डाल दें। पंगा गए बाग 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 गा 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 गा। थोड़ा सा तुम्हारा और तेल डाले कम है यार। गंग खा गया जीरा उरा
अबे कुछ नहीं पा करिए गाय मक्खी में खाया है, है, है तो हाँ बस मछली मसाला हाँ गाय को मेथी पाका मेथी है नहीं है मेथी या क्या खेगा गुरु पे खाएगा चालू उसको अभी आएंगे घो के पानी बाग में डाल देना अभी घूमने के हाँ अभी भूटाने के ठीक अभी ये बस पकेगा मछली डाल दो रेडी नहीं नमक उमक नमक उमक को कहाँ पकेगा अभी अभी थोड़ा पक जाए देखो मसाला हो गया थोड़ा बहुत रेडी अब इसमें अपना डाल देते हैं नमक खाने भर के हिसाब से और जब तक ग्रेवी होगा तब तक हम नहा लेते हैं क्योंकि पूरा सर पकड़ लिया भाई खाना बनाते बनाते तो नहा लेते हैं नहा के फ्रेश हो जाते हैं तो नहा लिया गाइस और रेवो नहाते नहाते हमारा ये रेडी हो गया तो इसको हम लोग डाल देते हैं इसमें देखो ग्रेवी कितना शानदार हुआ है जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब और बेस्ट होगा तो ये हमारा मछली बिस्मिल्लाह इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के बाद खाएंगे ठंडा हो जाएगा तब गाइस चार बजने वाला है दोस्त जल्दी चलते हैं खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि कभी भी फोन आ जाए कहीं मैडम वैडम का अभी हो गया दिमाग एकदम फ्रेश यो यो हनी सिंह भाई फर्स्ट टाइम मैंने मछली बनाया है कैसा दिख रहा था और चलते हैं खाने मैंने ये सारा चीज अपनी मम्मी से सीखा है और दिखाते हैं आपको मछली 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 महा कर है पूरे रूम में इसके लिए मारेंगे हमने पूरा रूम में मारते हैं खुशबू खुशबू हो जाए गाइस चलते हैं खाना करते हैं अनबॉक्सिंग और ये देखो मेरा मछली कैसा दिख रहा है इसको निकालते हैं हम अपने प्लेट में छोटे से निकल ही नहीं रहा इससे यार आ गया एक निकालते हैं फिर मन करेगा तो और ले लेंगे जान हो गए अपना रोटी तो आ जाओ दोस्त जिसको भी खाना है हमारा मछली मछली कैसे हुआ आप लोग जरूर कमेंट करके बताना और देखो ये रोटी यहाँ की खुबूस अरबी में खुबूस ये देखो ये आटे की रोटी है ये दो रोटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाए तो आ जाओ बिस्मिल्लाह करते हैं इस पे ये खाड़ खा लेते हैं नमकीन मछली के ऊपर थोड़ा चिप्स रहता है तो अच्छा लगता है ना
देखते हैं कैसा हुआ है, फर्स्ट टाइम बनाए हुए मछली। बेस्ट, मैं बनाऊं और अच्छा ना हो। चलो गाइस तो आराम से खा लेने दो, आराम से खा लेते हैं फिर। अभी मगरिब का टाइम हो गया है और ये हमारे पड़ोसी हैं लोग, ताहिर भाई, शमसुल भाई, उधर लौड़ा भाई, कौन भाई कहाँ है कौन, एक लौड़ा भाई उधर है, हमारे ताई भाई महाराजगंज से हैं। एक हमारा भाई रात का रानी है, अभी निकलेगा क्रीम पाउडर लगा के। कौन? अंसारी भाई। अंसारी तो निकलेगा कितने बजे, अंसारी के पास पहुंच जाएगा वीडियो पहुंच जाएगा ना ही पूछा रहे भाई कब निकलेंगे। नहीं अंसारी भाई वीडियो देख रहे हैं तो आपके वेट हो रहा है, आइए निकलिए इधर आज या तो कल, जब भी वीडियो देखिए निकलिए। हाँ निकलिए जरूर क्योंकि आपका वेट हो रहा है। तो भाई ये हमारे ताहिर भाई मिले हैं, आप लोग बीजा बीजा कह रहे थे तो ताहिर भाई के पास बीजा है। ड्राइवर का कितना बीजा है आपके पास? बढ़िया बढ़िया बीजा दो तीन निकालिए। क्या काम है, सैलरी क्या क्या बताइए। सैलरी देखिए भाई नया है तो 1400 से लेके 1500 तक का सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे आना है, गाड़ी चलाना है, कहीं मदरसा है कहीं ऑफिस है, बस यही है। गाड़ी वाड़ी तो धोना ही पड़ेगा, गाड़ी धोना पड़ेगा। घर और भाई जो ऐसा कपिल कोई मिल जाता है, नहीं कभी है कभी कभी, कभी हफ्ते में एक आध बार घर साफ करना पड़ता है। खर्चे कितना लगेगा? खर्चा भी लगेगा 90-95। मतलब हमारे अगर कोई जान पहचान के मान लो हमारी कोई कुछ कंजक्शन हो जाएगा तो भाई लोग अगर आप लोगों को चाहिए हुई है तो हमको मैसेज करो, ठीक है। और सिरोज मार्क 1 डालो, स्पेसर्स मारो तो मेरा चैनल आ जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, ठीक है।